हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास टेंथ की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रियल नंबर्स। मेरा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी क्लियरली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, बिकॉज मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है, किस तरीके से आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बच्चों, जब भी बात होगी रियल नंबर्स की, तो ये जो इमेज है ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। बच्चों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जिन चीज़ों को इमेज की फॉर्म में याद करते हो वो आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। नाउ इफ यू वांट टू डिफाइन रियल नंबर्स, तो आप किस तरीके से इसको डिफाइन करोगे बच्चों? आप बोलोगे रियल नंबर्स कॉन्स्टिट्यूट द यूनियन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब यहां पर आप देख सकते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर, देखिए यहां पर सर्कल है, ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर आपके यहां पर तीन सर्कल और हैं, इंटीजर का, होल नंबर्स का और नेचुरल नंबर्स का। तो यानी कि ये सभी नंबर्स कैसे हैं, बेसिकली रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। बात करें रैशनल नंबर की, तो आप जानते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, ओके, जिसमें आपका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, ओके, फॉर एग्जाम्पल 3/5, ओके। बात करें इंटीजर्स की, तो आपको मालूम है लेट्स से -3, -2, ओके। होल नंबर्स आपको मालूम है जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3। नेचुरल नंबर आपको मालूम है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ओके, इस तरीके से। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, यहाँ पर भी आप कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं, लेट्स से √3, ओके, पाई एंड √11। तो बच्चों, इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। ये सभी नंबर्स आपके कहलाते हैं रियल नंबर्स। और इन सभी नंबर्स की जो खासियत है वो क्या होती है, एनी रियल नंबर यानी कि कोई भी रियल नंबर, फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर, इंटीजर हो सकता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर या फिर इरेशनल, इन सभी नंबर्स को आप नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हो, दिखा सकते हो, प्रैक्टिकली आप उसको शो कर सकते हो। मेरी बात आ रही है समझ में? और हाँ बच्चों, आपको याद होना चाहिए क्लास 9th के अंदर चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर किस तरीके से प्लॉट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक सिंपल इमेज के थ्रू आपको समझा दिया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो रियल नंबर्स हैं आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे और आप जिंदगी भर कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। आप यहां पर देख सकते हैं काफी कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, लेकिन आपको करना क्या है, मेरी बात को अभी सिर्फ सुनना है, जैसा मैं कह रहा हूं उस बात को सिर्फ सुनिए, ठीक है। देखिए, यहां पर मैंने लिखी है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की डेफिनेशन, किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। It states that given integers a and b, there exists a unique pair of integers q and r such that a is equal to b into q plus r and, देखिए यहाँ पर एक condition भी given है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ लें, एक बार read कर लें, तब भी आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों, इसको simplify करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा example देने वाला हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये है क्या। देखिए, सारा का सारा जो गेम है वो आपका डिवीजन का है, ठीक है। ये जो टर्म है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यहां पर ये जो टर्म है डिवीजन, इसी का सारा खेल है। तो चलिए अब समझ लेते हैं एग्जांपल की मदद से किस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, आपके पास 9 बॉल्स हैं, ओके। अब 9 बॉल्स में से आपको पेयर लेना है,
टू बॉल्स का, और इस पेयर को आपको एक ही बैग में डालना है। मेरी बात आ रही समझ में? मान लीजिए ये आपका बैग है, ठीक है, ये आपकी बॉल्स हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक पेयर यानी कि दो बॉल एक ही बैग में डालनी है, तो कितने बैग्स की जरूरत पड़ेगी? मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके पास 9 बॉल्स हैं, आपको दो बॉल एक ही बैग में रखनी है, तो कितने बैग्स की आपको जरूरत पड़ेगी? तो बच्चों बहुत आसान है, आपको जरूरत पड़ने वाली है सिर्फ 4 बैग्स की। किस तरीके से? आपने दो बॉल इस बैग के अंदर रख दी, और ये जो अगली दो बॉल है वो आपने यहां पर रख दी इस बैग के अंदर, दूसरे बैग में, ओके। इसके बाद आपकी नेक्स्ट 2 बॉल्स को आपने इस थर्ड बैग में रख दिया, ओके। ये आपका फर्स्ट बैग है, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए सिर्फ आपका एक पेयर रखना है, यानी कि 2 बॉल आपको हर एक बैग में रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 बॉल्स को आपने इस बैग में रख दिया, ओके। अब देखिए यहां पर आपकी एक बॉल बच गई है जिसको हम बैग के अंदर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आपके सभी पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी एग्जाम्पल को समझने के लिए हम यूज करेंगे डिविजन। किस तरीके से? 9 बॉल्स थी आपकी, टोटल आपके पास 9 बॉल थी, और आपको 2-2 करके इन सभी बैग्स के अंदर डालनी थी, प्लेस करनी थी, ठीक है। तो देखिए आपको सिंपली करना क्या है, डिवीजन करना है 9/2। तो 9/2 करने से होगा क्या, जैसे ही आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 4 आपका क्वोशेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 × 4 दैट मीन्स 8, ओके। यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा आपका रिमाइंडर, ओके। तो ये जो 1 है, 1 बॉल है, दिस इज नोन एज रिमाइंडर। मेरी बात आ रही समझ में? अब इसी बात को हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है, दिस 9 इज नथिंग बट डिविडेंड, दीज 9 बॉल्स आर नथिंग बट द डिविडेंड, ओके। अब इसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, डिविजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके, दैट मींस 2 × 4 + 1, और यही आपका यहां पर आना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो भी आपका 9 ही आना चाहिए, ठीक है। 2 × 4 = 8 + 1 = 9। तो बच्चों अब आपको करना क्या है, इस डेफिनेशन को दोबारा से रीड करना है, तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट गिवन टू इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। देखिए ये जो बातें मैंने लिखी थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये जो है बेसिकली आपको यहां पर वेरिएबल की फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। डिविडेंड यहां पर आप लिख सकते हैं ए, ओके, डिवाइजर को हमने यहां पर लिखा है बी, और क्वोशेंट को लिखा है स्मॉल क्यू, और रिमाइंडर को लिखा है स्मॉल आर, ओके। अब ये जो आपका रिमाइंडर है बेसिकली लाई करता है 0 और बी के बीच में, तो बेसिकली ये जो टर्म्स है ऊपर वो इसी के बराबर है, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने लिखा है वो इसके बराबर है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स Q एंड R। अब इनको यूनिक क्यों बोला गया है, मेरी बात आ रही समझ में, है ना। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इनको यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स क्यों बोला गया है। देखिए जो क्वोशेंट होता है और रिमाइंडर, इनकी वैल्यू होती है फिक्स, यानी कि ये आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। यानी कि 4 है आपका विच इज फिक्स्ड, आप यहां पर लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज फिक्स्ड, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, एंड दिस वैल्यू ऑल्सो फिक्स्ड, दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू चेंज। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स, इनकी जो वैल्यूज है वो आपकी फिक्स्ड हैं, ये आपकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूक्लिड्स डिविजन लेमा समझ में आ चुका होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स। तो बच्चों अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और हाँ बच्चों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इससे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम बात करेंगे यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम की और एक्सरसाइज 1.1 की। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस और कंसेप्ट के साथ। So thank you so much for watching this video.